दफ्तर की बहन है, इडमे के साथ इतना कुछ हुआ, इतनी बेरहमी के साथ फोर्स के द्वारा उसका हत्या किया गया। तो आप सबसे निवेदन है, पूरी देश को, अनेक ऐसे लोगों को इडमे ने इस लड़ाई में जोड़ लिया है, आपसे मैं अपील करती हूँ, पूरे देश से, पूरी सरकार से मेरी यह अपील है कि जो देशवासियों से कि इडमे के न्याय के लिए इसी तरह आगे बढ़ के हम इसको न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ये कसम खाइए कि इडमे को न्याय हर हाल में दिलाना है, क्योंकि इडमे को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया वो ऐसे नहीं जाना चाहिए। उस सरकार को जवाब देना होगा, एक इडमे नहीं कई आदिवासी इस तरह से मारे जा रहे हैं, कई लोगों को ऐसे जेलों में बंद किया, पर इडमे वो बहन है, क्योंकि मुझे एक मेरी आत्मा पूरा निचोड़ के रख दिया है, पता नहीं इस इडमे के साथ न्याय मिलना चाहिए और अंत तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे, आप सब मिलकर लड़ेंगे। आखिर सरकार ने ऐसे क्यों किया इडमे के साथ, क्यों? आखिर और एक निर्दोष थी, ग्रामीण थी, यह पूरी सबूत है, बता रहा है कि इडमे कौन थी, वो कोई माओवादी नहीं थी, इडमे एक खेती किसान की बेटी थी, हम बस्तर की बहन थी, हमारी बस्तर की वो बेटी है, उसके न्याय के लिए आप सब लोग मिलकर लड़ना होगा।